इनके बाल झड़ते हैं, मिट्टी खाने लगते हैं, और जो होता है कि ये इनके आंखों से पानी भी आने लगता है, दांत भी किटकिटाने लगते हैं, समय समय पे बार बार बीमार पड़ने लगेंगे, ये चीजें इनमें देखने को मिलेगी। दूध पीना कम कर देंगे, भरपूर दूध पियेंगे तो कमजोर होने लगेंगे, दिखेंगे ही नहीं, शरीर पे चढ़ेगा ही नहीं इनके। तो ये चीज हम गौर करेंगे सारी चीजें कि ऐसा ही क्या है या नहीं हमारे बकरों में। अगर है बकरी के बच्चों की अगर सही समय पर नहीं हो डीवॉर्मिंग, तो होता ये है कि कुछ समय के बाद में उनकी आंखों में एक डिजीज आ जाती है कि पानी बहना, और जिसकी वजह से फिर वो पनप नहीं पाते हैं, और फिर उनके पैदाइशी ही जन्मजात बाल टूटते हैं, और जब बाल टूटते हैं तो फिर होता ये है कि बच्चे जो है कमजोरी की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो पलते तो सिर्फ दूध के ही ऊपर है, लेकिन चारा तो खाते ही नहीं है कुछ भी, और अगर चारा खाएं तो अच्छा फीड उन्हें खिला दिया जाए, लेकिन अभी वो चारा भी नहीं खाते हैं तो सिर्फ दूध ही दूध पे पीते हैं और दूध पे ही पलते हैं। तो ऐसी समस्या के लिए हमें क्या करना चाहिए और ये होता क्यों है? तो देखिए, ऐसा होता है कि बकरी जब जन्म देती है बच्चे को, हमारी एक गलती हो जाती है कि वो बच्चे डिवॉर्मिंग नहीं हो पाती उनकी, और जब डिवॉर्मिंग नहीं हो पाती है, मिट्टी खाते हैं, इधर उधर जमीन चाटते हैं, और चप्पल पन्नी ये सब वो खाना शुरू कर देते हैं, अलग अलग डिजीज में जाने लगते हैं, क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी को पूरा जो करता है वो दूध करता है। दूध अगर बकरी सही नहीं देगी, वो क्यों नहीं सही देती, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि दूध बकरी सही क्यों नहीं देती है। तो सही दूध लेने के लिए सही तरीके होना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि आज इन बकरों की हम करेंगे डिवॉर्मिंग, दोनों बच्चों की, ठीक है? तो डिवॉर्मिंग के फायदे तो मैंने बता दिए हैं आपको, नुकसान भी बता दिए। बकरी के डिवॉर्मिंग करने का सही तरीका आज इस वीडियो में बताया जाएगा, बकरी के बच्चों का डिवॉर्मिंग करने का तरीका। हालांकि इस बकरी को भी डिलीवरी के 15वां दिन है आज, और इसकी भी डिवॉर्मिंग होने का टाइम है, लेकिन इसकी डिवॉर्मिंग हम खाली पेट और जो करेंगे इसकी सुबह में करेंगे, मॉर्निंग में। आज रात इसे गुड़ का सेवन करवा दिया जाएगा, लेकिन बच्चों को दूध पिए हुए तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं, तो इनके लिए रात का वक्त जरूरी नहीं है। ये 15वां दिन के बच्चे हैं, 15 दिन के बच्चे। अगर ये होते 4 से 5 महीने के बच्चे तो इनके लिए कुछ सोचा जाता रात की डिवॉर्मिंग के लिए। तो अभी इसकी जो डिवॉर्मिंग की जाएगी वो तरीका आपको दिखाया जाएगा किस तरह से डिवॉर्मिंग करते हैं। सारे तौर तरीके मैंने आपको बता दिए कि क्यों करने चाहिए, किस लिए करने चाहिए। इनके बाल झड़ते हैं, मिट्टी खाने लगते हैं, और जो होता है कि ये इनके आंखों से पानी भी आने लगता है, दांत भी किटकिटाने लगते हैं, समय समय पे बार बार बीमार पड़ने लगेंगे, ये चीजें इनमें देखने को मिलेगी। दूध पीना कम कर देंगे, भरपूर दूध पियेंगे तो कमजोर होने लगेंगे, दिखेंगे ही नहीं, शरीर पे चढ़ेगा ही नहीं इनके। तो ये चीज हम गौर करेंगे सारी चीजें कि ऐसा ही क्या है या नहीं हमारे बकरों में। अगर है तो तुरंत आपको डिवॉर्मिंग करने की जरूरत है। डिवॉर्मिंग के लिए क्या चीज लेनी है, क्या, चलिए मैं स्क्रीन पे आके मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, ये 3 ml का भी नहीं है, ये 2 ml का इंजेक्शन है, ठीक है ना? और ये एल्बोमार है, तो ये लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये बच्चा है डिवॉर्मिंग करने का, ये इसके साथ हम डिवॉर्मिंग करेंगे। माइक मत चबा, इसके साथ हम फोटो खिंचवा ले एक, इसके साथ हम डिवॉर्मिंग करेंगे, और बड़े ही खप्पू है, वीडियो बना हम वीडियो, इसके साथ हम डिवॉर्मिंग करेंगे, और इसके भाई के साथ में, तो पटिया है, ठीक है ना? कितनी करनी है, कैसे करनी है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ठीक है? ये है एल्बोमार साल्ट, मेरे पास है ये 90 ml का, मैं सबकी साल्ट बदल के हाईटेक का करा, वीडियो आ चुकी है, जाके देख सकते हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक मेथड होगा कि मीठी चीज क्यों खिलाई जाती है। मीठी चीज इसलिए खिलाई जाती है ताकि कीड़े जितने भी हों, जहाँ भी हों, आंतों में हो, पेट में, वो सारे खींच के बाहर आ जाए, और बाहर आने के बाद में वो फिर एक जगह इकट्ठे हो जाए, और तुरंत आप उसको जब भी दवाई पिलाएंगे तो फिर वो डिवॉर्मिंग प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी। अच्छा, छोटे बच्चों का कैसे करना है, छोटे बच्चों को ऐसा करना है, अभी आप ये छोटे बच्चे हैं, रात का सुबह का टाइम आप देखेंगे, बड़े के साथ में तो ऐसे किया जाता है, छोटों के साथ क्या करें। छोटों को अगर आपने दूध पिलाए हुए वक्त हो गया है, अगर छोटे बच्चों को दूध पिलाए हुए वक्त हो गया है, जैसे कि मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, और अभी इन्होंने 1:30 बजे दूध पिया था, करेक्ट अभी 5 बज रहे हैं, लेकिन अभी बच्चे जो है शांत है, खेल रहे हैं, लेकिन दूध मांग रहे हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम इनके साथ अब डिवॉर्मिंग कर देंगे। डिवॉर्मिंग करने के लिए क्या चाहिए, तो पहले मैं गुड़ बता देता हूँ, इसके अंदर गुड़ है, और इसमें आप देख सकते हैं शहद की डिब्बी है, दोनों में से कुछ भी चीज ले सकते हैं। हमारा मेन पर्पस जो है वो ये है कि मीठा पेट में बच्चों के जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद खिला सकते हैं, पिला सकते हैं पानी में घोल के, 3 चम्मच 4 चम्मच कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर शहद है, नॉर्मल है, ठीक है ना?
नहीं है तो गुड़ कम से कम ले लीजिए इतना, करीबन 5 से 7 ग्राम गुड़, उसको पानी में घोल के बच्चे को सिरिंज की मदद से आराम आराम से उसको पिला दीजिए, मीठा पेट में पहुंच जाएगा। तो ऐसे चलिए करके दिखाते हैं। तकरीबन 3 ml इसमें मैंने पानी ले लिया है पतला करने के लिए, ठीक है। ये शहद ले लूंगा मैं, इसके अंदर शहद चला गया है, गुड़ भी है मेरे पास, लेकिन मैं जब शहद है तो इसका इस्तेमाल करूंगा मैं। पहले मैं इस बकरे को पिला देता हूँ, मैं बैठ जाओ, देखिए पिलाने का, ओए पिलाने का सिंपल तरीका कितना ज्यादा वो कर रहा है ये देखिए। अब ये मैं सारी इंजेक्शन की दवाई आराम से पी रहा है, और इसी तरह पिलानी छोटे बच्चों के फेफड़ों में ना चली जाए, ठीक है ना। तो ये जा रहा है और ये पी रहा है, इसे मीठे मीठे में मजा आ रहा होगा। पूरी दवाई पिला दी, अभी और मांगेगा, लेकिन दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और ले लेता हूँ, 2 ml, अब इसके हलक में 4 ml चले जाएगा। आ जा 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 ले आकर, ये देखिए खुद ही अपने आप पी लेगा, मजा आ गया। ये देखिए मुझे पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पी ली इसने। अब सारे कीड़े इसके पेट के आंतों के जितने भी होंगे सब बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से एक बार हम कोशिश करेंगे कि बकरी को भी, जो इसके दूसरे साथ का बच्चा है, उसे भी पिला दे। अब मैं इस बार सीधा डायरेक्ट उसे पिलाऊंगा, क्योंकि शहद इतना गाढ़ा लगने है नहीं जितना मुझे लग रहा था। अब बकरा हमारे को समझ चुका है कि इंजेक्शन में कुछ जादू ही है। ले बकरी को, बकरी ने भी पीना चालू कर दिया अपने आप, ठीक है। तो पूरा शहद का 5 ml शहद ये पी चुके हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मीठा जितना जाए उतना अच्छा है। ले ये पी गए, इसने पी लिया सारा शहद। अब ये हमें क्या करना है, 10 मिनट तकरीबन रुक जाना है, बेहतर है, ताकि पूरा इनका शहद जो है वो आंतों में तरफ पहुंच जाए। शहद जितना आंतों में पहुंचेगा उतना बेहतर है। फिर इसके बाद में क्या करना है, हम इनको डिवॉर्मिंग की दवाई पिलाएंगे। किस तरह पिलाएंगे, वीडियो में बने रहे, इसी तरह से मैं आपको आगे के मेथड को बताता हूँ किसा करना है। दोस्तों कुछ समय बिताने के बाद में अब हम इनको डिवॉर्मिंग की दवाई पिलाएंगे, थोड़ा सा वक्त बीत चुका है, तो किस तरह पिलानी है चलिए वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। ये एल्बो मार के बिल्कुल न्यू है, एल्बो मार फर्स्ट डिवॉर्मिंग इसी से ही करें तो वो बेहतर रिजल्ट के लिए मानी जाती है। पहले इसको शेक कर ले, क्योंकि इसका पानी ऊपर होता है, दवाई क्यों नहीं नीचे बैठी। जब इसको आप शेक कर लेंगे, रुक जा, तो फिर सारी शेक हो जाएगी दवाई। अब मुझे पिलानी कितनी है, इसका डोज लिखना है, तो ठीक है इस पर क्लियर लिखा है 1 ml जो होता है 3 किलो के वजन को कवर करता है, तो बच्चे का वजन मुश्किल से मुश्किल 4 किलो होगा, तो काम 1.5 ml से भी चल जाएगा। तो हम इसके लिए छोटे सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास अभी 5 ml का सिरिंज है, मैं इसी से ही बकरी के बच्चों को पिलाऊंगा। कितना पिलाना है, मैं तकरीबन इनको 2 ml या 2.5 ml तक पिला दूंगा, ठीक है ना। ऐसा होता है कि मतलब डिपेंड करता है कि आपके जानवर के वर्म कितने हैं, वो कैसे। बकरी जब 4th महीने की प्रेग्नेंट होती है, क्या आपने तब डिवॉर्मिंग करी थी? अगर आपने जब डिवॉर्मिंग नहीं करी थी, तो यानी का मतलब क्लियर है कि बकरी के बच्चों के कीड़े भी अच्छे ही खांसे होंगे, क्योंकि 4th महीने में आपने बकरी की करी नहीं, डिलीवरी के तुरंत बाद कर नहीं सकते, तो डिवॉर्मिंग अब आपको करनी होगी। तो ये मैंने 3 ml भर लिया है, मैं बकरे को पिला दूंगा। ले मुझे पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर इसको टेस्ट लगेगा तो। इसने दवाई पी ली अपने आप, ठीक है, पी भैया जा, इसने दवाई पी ली, इसकी हो गई डिवॉर्मिंग क्लियर। इसको दूध ना पिलाएं, कम से कम 1 घंटा तो भूखा रखें, कम से कम, उसके बाद में दूध पिलाएं, और लीवर टॉनिक की कोई जरूरत नहीं है। लोड कर लिया है, और इस बार मैं अब बकरी की करूंगा। ले अभी ये पी नहीं रही है, लेकिन इसके मुंह में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके मुंह में मैंने सही डाल दिया, ये दवाई पी रही है, इसने सारी दवाई पी ली, और ये हो गई इनकी प्रॉपरली डिवॉर्मिंग। तो हमें इस तरह से करना है, तो मैंने बता दिया कितना भूखा रखना है कितना नहीं। भूखा कम से कम जितना पहले का हो और अच्छी बात है, कम से कम दवाई पिलाने के बाद तो 1 घंटा और हमको भूखा रखना पड़ेगा। एल्बो मार से अगर आप डिवॉर्मिंग करेंगे तो सबसे बेहतर डिवॉर्मिंग हो जाएगी आपके बकरों की, ठीक है ना। तो इधर किसी दवाई डिवॉर्मिंग आज इनकी कर दी है,
और 15वें दिन है आज इनको पैदा हुए हुए, हम डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, लीवर टोने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा मतलब कमेंट आ रहे थे, तो आज आपने देख लिया होगा किस तरह से इनकी डिवॉर्मिंग करनी है, कितने दिन में करनी है। लूज मोशन लगने के चांस बहुत ना के बराबर होंगे, अगर लग जाते हैं तो दूध नहीं पिलाना है और लूज मोशन रोकने भी नहीं है, क्योंकि पेट में जब कुछ हो गए नहीं तो लूज मोशन बाहर आएंगे, और जो गया होगा पेट में ज्यादा डिवॉर्मिंग करने की नीड थी और आपने कर दी तो परफेक्ट है, लूज मोशन लगना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा समय तक के लिए नहीं है, तब उसको आप रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो मुझे जरूर बताएं और लाइक कमेंट शेयर करके अपने दोस्तों में शेयर करें, ऑल का बटन दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। लीवर टोन की एक बार फिर कह दूं, इन्हें अभी जरूरत नहीं जब तक चारा ना खाने लगे, अभी दूध पे हैं तो दूध पे तकरीबन इनको आप दो बार डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। ज्यादा कीड़ों की समस्या अगर आपको देखने को मिल रही है तो 15 दिन में फिर दोबारा रिपीट कर सकते हैं डिवॉर्मिंग के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।